वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। दोस्तों ये मैंने एज अ डमी यूज़ किया, आप इसे चेंज करिएगा, जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो वो मैंशन करिएगा जैसे मैं एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ। अभी मैंने एज अ डमी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई डाला है। तो आप क्लर्क के पोस्ट के अप्लाई करेंगे बैंकिंग सर्विस में, तो कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्टली आ जाएगा टू द सेक्रेटरी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई। मैंने यहाँ पे दोस्तों डाला है बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड मुंबई। उसके दोस्तों लिखना है सब्जेक्ट क्लर्क फॉर रिक्रूटमेंट, लिपिक पद भर्ती हेतु। सर या मैडम, इट इज़ काइंडली रिक्वेस्टेड इन द सर्विस दैट एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान पेपर। दोस्तों ये जो मैंने हिंदुस्तान पेपर डाला है ये भी एज अ डमी यूज़ किया मैंने, इसे भी आप चेंज करेंगे। जहाँ भी ये आपको ये कलर के रिक्रूटमेंट के लिए जहाँ पेपर में जिस पेपर में निकलेगा आपका ये एडवर्टीजमेंट वो यहाँ मेंशन होगा। तो एज अ डमी मैंने ऐसे यूज़ किया है, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ डाला एडवर्टीजमेंट पब्लिश हिंदुस्तान पेपर हिंदी नंबर एज पर 25। I want to apply for the post of clerk. सेवा में सविनय निवेदन है कि हिंदी के हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक संख्या 125 के अनुसार मैं लिपिक पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ क्लर्क पद के लिए। उसके दोस्तों आ जाएगा माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन आर एस फॉलोज। मेरी परिचय, शैक्षणिक योग्यताएँ तथा परिचय इस प्रकार है। उस फर्स्टली आपका नेम मेंशन हो जाएगा, उसके बाद फादर्स नेम मेंशन हो जाएगा आपका, उसके डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपका एड्रेस मेंशन होगा, और उसके बाद आपने लिखना एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले आपका क्लास आ जाएगा, उसके बाद आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, उसके बाद पास, कितने परसेंट से आप पास किए, कौन सा डिवीज़न है आपका वो आ जाएगा, उसके बाद ईयर आ जाएगा कौन से साल में आपने पास किया। जैसे एज ए मैं डमी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर 10th, और मैं JBE झारखंड डाल रहा हूँ एज अ डमी, मैंने बताया आपको यूज़ कर रहा हूँ, इसे आप चेंज करेंगे। और पर्स यहाँ पे मैं 20% डाला है, और ईयर 2010 डाला है। उसके बाद मैंने BIEC पटना डाला है, ये दोस्तों मैंने 80% चेंज कर दिया, जो पास्ट है वो 80% है, और ईयर 2010 है। जैसे 12 का मैंने डाला है BIEC पटना, पासिंग ईयर है 2012, और पास स्कोर जो है वो 90%। तो ये एज अ डमी यूज़ है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएट किए हैं तो वो भी नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी ऑनर्स है आपका या पास कोर्स जो भी है वो नीचे मेंशन करेंगे आप। उसका दोस्तों आ जाएगा हिंदी टाइपिंग 42 वर्ड्स पर मिनट, मैंने एज ए डमी यूज़ किया है, आप इसे चेंज कर लीजिएगा। जितने वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो वो आप मेंशन करेंगे। इंग्लिश टाइपिंग 62 वर्ड्स पर मिनट, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, प्रेजेंटली वर्किंग इन ABC कंपनी लिमिटेड नोएडा, ये एज ए डमी यूज़ किया मैंने दोस्तों, इसे भी आप चेंज करेंगे। एक्सपीरियंस दोस्तों मैंने 2 ईयर्स डाला है, नहीं है तो आप नहीं मेंशन करेंगे। आई होप यू विल गिव मी अ चांस टू इंटरव्यू सो दैट I can show my abilities। उसका दोस्तों आ जाएगा थैंक यू, आशा है आप साक्षात्कार का अवसर अवश्य देंगे ताकि मैं अपनी क्षमताओं का परिचय दे सकूं। उसका थैंक यू धन्यवाद का मैसेज आएगा। उसका एप्लीकेंट में आ जाएगा आवेदक, योर नेम, आपका नेम एंड योर एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर मेंशन हियर। उसके बाद आ जाएगा आपका डेट यहाँ पे दोस्तों आप मेंशन करेंगे, यदि ऊपर आप मेंशन करें तो नीचे यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। उसका दोस्तों अटैचमेंट में जो आप डाल रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट हो गया क्लास एक्स 10वीं का, आपका प्रमाण पत्र आप अटैच करेंगे एप्लीकेशन के साथ, फिर सर्टिफिकेट ऑफ 12, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी इसके साथ अटैच होगा। उसके आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच होगा, जो भी आप यदि आपको एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो नहीं अटैच होगा। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड, आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो मैं यहाँ पर अटैच करें।